हमको गिवन है द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 7, -6 एंड 3, 4 इन द रेशियो 1:2। तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है और इसमें हमें चेक करना है कि ये जो हमारा पॉइंट P होगा ये किस क्वाड्रेंट में हमारा लाई करेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, लाइन डायग्राम्स की हेल्प से इसको समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट वाइज सीखने की कोशिश करेंगे। कोई भी ऐसा फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास शॉर्ट तरीका नहीं है जिससे मैं आपको टॉपर बना सकूँ। तो अगर आपको कुछ सीखना है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सीखनी है, तभी आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक लाइन डायग्राम फॉर्म कर लिया ये। तो अभी यहाँ पे जो पॉइंट है, एक पॉइंट मैंने इधर मार्क कर दिया ए, जो हमारा 7, -6 है, और बी वाला जो पॉइंट है ना ये हो गया 3, 4। एक पॉइंट पी है जो इस लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो एक पॉइंट पी यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं। पी पॉइंट को मैंने यहाँ पे ले लिया x, y, जो इस लाइन को किस में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा m हो जाएगा और इसको मैं लेके चलूँगा n। तो एक सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है, उसको हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो आई होप फॉर्मूले आपको सारे पता होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो जो हमारा x होगा ना, x के लिए जब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m+n। तो यहाँ पे जो हमारे ये, इसको x1 ले लेते हैं, इसको y1, और ये हमारा हो जाएगा x2, और इसको हम पकड़ लेंगे y2। तो अब जस्ट इसमें हमने प्लेस कर देना है। देखो यहाँ पे जो हमारा m आ रहा है वो है हमारा 1, तो ये हो जाएगा 1 × 3 प्लस 2 × 7 अपॉन 1+2। तो यहाँ से आ जाएगा ये 3+14, और यहाँ से हमको मिल रहा है नीचे 3, तो ये आ जाएगा 17/3। नेक्स्ट निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा y वाला होगा, y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से हमारा my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। तो इसमें वैल्यू प्लेस कर देते हैं, जस्ट काफ़ी आसान है, यहाँ पे मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। अभी ये हो जाएगा 1 × 4 प्लस 2 × -6 अपॉन 1+2। तो यहाँ से हमारा मिल रहा है, देखो ये 4 और ये माइनस का 12 अपॉन में 3, यहाँ से हमको मिलेगा -8/3। देखो जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये हमारा होता है फर्स्ट, इसमें दोनों पॉजिटिव रहते हैं, एक्स और वाई दोनों हमारे पॉजिटिव रहते हैं इसमें। और सेकंड वाले में क्या होता है, एक्स हमारा माइनस होता है और वाई रहता है पॉजिटिव। और थर्ड वाले में इसका जस्ट उल्टा, दोनों हमारे क्या रहेंगे, माइनस। और फोर्थ वाले में इसका उल्टा, एक्स प्लस होगा और वाई माइनस होगा। तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था। अभी जो हमारा कोऑर्डिनेट, देखो पॉइंट हमारे आ रहे हैं, पहला वाला हमारा पॉजिटिव मिल रहा है और दूसरा वाला हमारा मिल रहा है नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे कहाँ लाई करेंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, यहाँ पे मैंने सेकंड लिख दिया इसको, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ना भाई, ये हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।